गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद चुनाव में कांग्रेस की 2 सीटें और उत्तर प्रदेश चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीत पाने पर राहुल गांधी को बधाई दी। नरोत्तम ने चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 3रे नंबर पर आने पर भी तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को एक और बड़ी सौगात देते हुए उन्नाव रोड पर 4,60,00,000 की लागत से बनने वाली सीसी रोड सड़क का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण के बाद आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी क्योंकि ये सड़क सबसे व्यस्ततम रोड में से एक मानी जाती है। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद चुनाव में जीत पर सभी को बधाई दी और कहा कि हैदराबाद के शहाबुद्दीन ओवैसी कहते थे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कौन जानता है। वहीं बीजेपी ने 2 से 49 सीट पर ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है और वहीं ओवैसी की पार्टी लुढ़ककर 3रे नंबर पर आ गई है। इस चुनाव में राहुल गांधी पर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी बधाई, उनकी हैदराबाद चुनाव में 2 सीट रही और उत्तर प्रदेश में 0 सीटें आई हैं। हैदराबाद नगर निगम, महानगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत मिली है, उसके लिए आप सबको बधाई। कौन जानता है, वो लुढ़क के 3रे नंबर पर पहुंच गए। बधाई तो राहुल गांधी जी को भी देता हूं मैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव की, कि उनकी 2 सीटें आई हैं, 2 ही थी। बधाई राहुल गांधी जी को भी कि उन्होंने इतिहास को दोहराया है। कल उत्तर प्रदेश में 6 विधान परिषद की सीटों का चुनाव था, 6 में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 बाकी के दल जीते हैं और कांग्रेस 0 आई है। उसके सर्वाधिक सीटें लाए उसके लिए भी बधाई, और सबसे कम सीटें पता है कौन सी पार्टी की आई, कांग्रेस की, उसके लिए भी बधाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।